हेलो दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में हमने बेसिक ग्रामर जाना था। आपने नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एडजेक्टिव के बारे में, जिसका हिंदी अर्थ होता है विशेषण। तो आप अगर ग्रामर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एडजेक्टिव होता क्या है। तो देखिए, एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण, मतलब जो विशेषता बतलाता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में आपको बताए थे, मतलब जो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का विशेषता बतलाता है। इंग्लिश में भी इसका डेफिनेशन जानेंगे, पहले हिंदी में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मार्कर देखिए, तो ये मार्कर एक नाउन है। अब आप इस मार्कर को ऐसे बोल सकते हैं, यह मार्कर उजला है। तो ये सेंटेंस क्या बना, यह मार्कर उजला है। तो इसमें ये उजला क्या कर रहा है, इस मार्कर की विशेषता बतला रहा है। तो वाइट यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव, विशेषण। समझ रहे हैं आप? अब जैसे कि इस बोर्ड के बारे में बोला जाए, ये बोर्ड उजला है, तो ये उजला क्या हुआ, विशेषता बतला रहा है। मतलब वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए, उसे विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन होगा, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। अर्थात विशेषण वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। जैसे कि रेड, वाइट, ब्लैक, ब्लू, गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, बहुत सारा विशेषण है, आगे वीडियो में जानेंगे उसको। अब एग्जांपल यहाँ पर समझ लीजिए सेंटेंस में, जैसे मोहन इज टॉल। अब ये सेंटेंस देखिए, मोहन इज टॉल में क्या है, मोहन लंबा है, तो ये टॉल क्या कर रहा है, मोहन की विशेषता बतला रहा है। मोहन यहाँ पर नाउन है। राम इज ए गुड बॉय, तो गुड क्या कर रहा है, बॉय की विशेषता बतला रहा है। राम एक अच्छा लड़का है, तो राम की विशेषता बतला रहा है गुड। ही इज काइंड, तो काइंड मतलब दयालु होता है, और काइंड क्या कर रहा है, ही का विशेषता बतला रहा है। तो आप समझ गए, एडजेक्टिव जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स का भी हम लिस्ट देखेंगे जो हमेशा हमें याद रखना चाहिए, तो चलिए उसको देख लेते हैं। 30 से ज़्यादा हम इसमें एडजेक्टिव्स जानेंगे। जैसे कि देखिए, गुड, गुड मतलब अच्छा, ये भी किसी की विशेषता बतलाता है। बैड, बैड मतलब बुरा। बिग, बड़ा, स्मॉल, छोटा। टॉल मतलब लंबा, और शॉर्ट मतलब भी छोटा होता है। ब्यूटीफुल, सुंदर। अगली, क्रूप, हैप्पी, खुश। सैड मतलब दुखी होना। रिच, अमीर होता है। पुअर, गरीब होता है। कॉल्ड, ठंडा। हॉट मतलब गर्म। फैट मतलब मोटा। थिन मतलब पतला दुबला। ऑनेस्ट, ईमानदार। डिसऑनेस्ट का होता है बेईमान। यंग, जवान। ओल्ड, बूढ़ा। न्यू, न्यू मतलब नया। ओल्ड मतलब पुराना, बूढ़ा भी होता है। काइंड मतलब दयालु। क्रूल मतलब होता है निर्दयी। स्वीट मतलब मीठा। बिटर, बिटर मतलब कड़वा। सॉफ्ट मतलब मुलायम। हार्ड मतलब कठिन। स्ट्रांग मजबूत। वीक कमज़ोर। डर्टी, डर्टी मतलब गंदा। क्लीन साफ। वाइट उजला, ब्लैक काला। तो ये सारे कुछ एडजेक्टिव्स थे जो आपको हमने बताया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर ग्रामर सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।